शायर के तौर पर एक शायर को बुलाना चाहता हूँ। झूठी दुआएं लिखी, झूठे सलाम लिखे, उनकी तरफ से हमने खत अपने नाम लिखे। सब कातिलों को गिनते इतना लहू कहाँ था, मिट्टी पे गिरते गिरते दो चार नाम लिखे। आइए आज का नौजवान आज के हालात को और आज हमारे आसपास बिखरे हुए मौजूदात को किस तरह से अपनी शायरी का हिस्सा बनाता है, ये देखते हैं और मुलाकात करते हैं जनाबे अरकान अहमद सादिक से कि वो तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। अस्सलामु अलैकुम। मैं बिला ताखीर अपने शायरी सफर का आगाज करता हूँ, इजाजत चाहूंगा। के जिसका कोई मानी ना, उस गुलसिता का क्या होगा, जिसका कोई मानी ना, जिसका कोई माली ना, उस गुलसिता का क्या होगा, उस गुलसिता का क्या होगा, बीवी का जो हो न सका, हिंदू सिता का क्या होगा, जिसका कोई माली ना। दोस्तों मैं एक बात बता दूं कि मुशायरे में पहली मर्तबा हाजिर हुआ हूँ। अपने अपने कामों में, अपने अपने कामों में इस तरह मगन है सब, इस तरह मगन है सब, जिसका लापता बेटा उस बूढ़ी माँ का क्या होगा, जिसका कोई माली ना, उस गुलसिता का क्या होगा। आप लोग समझ रहे हैं ना, जिसका कोई माली ना। जी चाय चाय करते थे, नहीं नहीं इमरान प्रतापगढ़ी कह रहे हैं ये चाय के, ये जो शायरी है ये मेरी है, मैं इनका एक चाय का है, इनका चाय चाय का है, दो बार चाय का है, ये चाय चाय कह रहे हैं। हाँ दो चाय, के चाय चाय करते थे, के चाय चाय करते थे, गाय गाय करते हैं, चाय चाय करते थे, गाय गाय करते हैं, गाय गाय करते हैं, ऐसा भी कोई लीडर आपने सुना होगा, जिसका कोई माली ना। और एक गजल लेकर हाजिर हूं, अगर इजाजत हो तो पढ़ दूं। एक ठीक ठीक जख्म दिल पे लगाने से क्या फायदा, जख्म दिल पे लगाने से क्या फायदा, हमको इतना सताने से क्या फायदा, जख्म दिल पे लगाने से क्या फायदा, पल दो पल की है ये जिंदगी दोस्तों, पल दो पल
है ये जिंदगी दोस्तों, दिल किसी का दुखान से क्या फायदा, जख्म दिल पे लगाने से क्या फायदा। वाह, प्यार है एक भरम और कुछ भी नहीं, प्यार है एक भरम और कुछ भी नहीं, प्यार है एक भरम और कुछ भी नहीं, दिल किसी से लगाने से क्या फायदा, जख्म दिल पे लगाने से क्या फायदा। और आखिरी सर मुलाजा फरमाले इरशाद, के इस तरह मिल न पाएगा सादिक खुदा, क्या कहना, इस तरह मिल न पाएगा सादिक खुदा, हर जगह सर झुकाने से क्या फायदा, जख्म दिल पे लगाने से क्या फायदा, हमको इतना सताने से क्या फायदा। अस्सलाम वालेकुम। अरकान अहमद सादिक अपना कलाम पेश कर रहे थे।